इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आता है, सॉरी वी आर करेंटली अनअवेलेबल हियर और यहाँ पर हैव एन अल्टरनेट एड्रेस, एंटर इट्स पिन कोड, वी विल चेक अगेन। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सिर्फ पिन का रहता है, पिन कोड का। अगर आपकी पिन कोड यहाँ पर आप डालते हैं और यहाँ पर जो है अगर ये इस तरीके से दिखाए तो आपको करना क्या होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये समझने से पहले आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पर लोकेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी ब्रांचेज होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अगर ये आपके ब्रांच से कनेक्ट होती है तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप जो है इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये इशू क्रिएट कैसे होता है। सबसे यहाँ पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, सर नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद अपना ईमेल डाल देता हूँ। अब पिन को क्या करता हूँ, मैं पिन डाल देता हूँ यहाँ पर उलट सुलट ऐसी जो कि मिले ही ना यहाँ पर, ठीक है। ओपन करते हैं, उसके बाद ये हमें इसी तरीके से दिखाएगा। तो आप जब भी पिन डालें तो यहाँ पर चेक करिए कि वो पिन अभी अवेलेबल है या नहीं है, चेक के लिए है या नहीं है, तो तभी आप उसे डालें, अदरवाइज़ वहाँ पर डालने का कोई मकसद नहीं रहता और वो वहाँ पर चलेगा भी नहीं। तो ये प्रोसेस रहता है बिल्कुल बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।